बेटा मेहनत करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बेटा एक बार तुम हमें कामयाब होके दिखा दो, फिर जिंदगी आसान है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कामयाबी के बारे में ऐसे जुमले, ऐसी बातें जो कि जनरल हैं, हमें कामयाबी का कहा जा रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल कैसे करनी है उसके बारे में क्या कभी किसी ने हमें कोई फॉर्मूला देने की कोशिश की, या हमेशा हमें इस तरह के जेनेरिक फिक्रे जो हैं वो कामयाबी के बारे में सुनने के लिए मिले, और नाकामी का भी यही केस है। तो आज हम आपसे डिस्कस ये करने आए हैं कि क्या कामयाब होने का या नाकाम होने का कोई फॉर्मूला भी है। क्या ख्याल है आपका, है या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सादा सा है। एक सेल्फ डेवलपमेंट के कोच हैं, बड़े मशहूर कोच हैं, जिम रॉन, उन्होंने दिया है कि स्मॉल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप में से कोई मुझे कहता है कि आप जिम जाया करें या आप भागने दौड़ने जाया करें, आपकी बॉडी की शेप अच्छी होगी और आप अच्छे दिखना शुरू होंगे और आप सेहतमंद होंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा उस दिन जहां आपके जिम आपके कहने पे, मैं भाग के भी आऊंगा, मैं जिम भी करके आऊंगा, और वापसी पे आपके होकर कहूंगा कि यार ये देखो मैं भाग के भी आया हूं, जिम भी करके आया हूं, लेकिन ये डोले बने नहीं है अभी। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग हंसेंगे इस बात पे या खुश होंगे या क्या कहेंगे आप मुझे? आप यकीनन ये कहेंगे कि आपको ये मशवरा एक दिन के लिए नहीं दिया गया था, इसके रिजल्ट्स तब आना शुरू होंगे जब आप इस छोटे से डिसिप्लिन को कि आप सुबह उठ के रोजाना एक्सरसाइज करने जाया करेंगे, रोजाना जिम के अंदर जाया करेंगे, आप इसको एवरी डे रोजाना अपनी लाइफ की रूटीन के अंदर शामिल करेंगे, तो 6 महीने 1 साल बाद के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो कामयाबी की डेफिनेशन सिंपल सी है कि स्मॉल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे इज इक्वल टू सक्सेस। वो डिसिप्लिन्स ये भी हो सकते हैं कि आप जिम जाएं, वो डिसिप्लिन ये भी हो सकता है कि आप रोजाना एक बुक का एक सफ़ा पढ़ें, वो डिसिप्लिन ये भी हो सकता है कि आप रोजाना एक पैराग्राफ लिखें, वो डिसिप्लिन ये भी हो सकता है कि आप रोजाना अपने अम्मा अब्बा से, अपने बहन भाइयों से, अपने सारे जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत करें थोड़ी देर के लिए, ताकि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों। तो लाइफ के मुख्तलिफ एरिया से रिलेटेड छोटे छोटे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बनाएं। वो क्या हो सकते हैं आपको बेहतर पता है आपके हालात के मुताबिक, और उन डिसिप्लिन्स को रिलीजियसली, डिवोशनली, डिवोटेड होकर आप उन डिसिप्लिन्स को जो है रोजाना प्रैक्टिस करें, रोजाना उनको प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि 5 से 6 महीने के अंदर आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, आपकी लाइफ के अंदर ऐसे बेहतरी आना स्टार्ट होगी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कि आप इस फार्मूला की एक्चुअल जो सक्सेस है उसको आप समझ पाएंगे। अब ये बात करते हैं कि नाकामी क्या है। नाकामी क्या है? नाकामी जी आप बिल्कुल जिस तरीके से हमने कामयाबी की छोटी सी डेफिनेशन दी, नाकामी की भी डेफिनेशन है। वो क्या है कि स्मॉल एरर्स ऑफ जजमेंट रिपीटेड एवरी डे इज इक्वल टू फेलियर। कैसे? अगर मैं चाय के अंदर 5 चम्मच चीनी डाल के रोजाना पीता हूं और मेरी बेगम साहबा कहती हैं आप क्या कर रहे हैं, आप बीमार हो जाएंगे इस तरीके से, आपको शुगर हो जाएगी, आपको कुछ और मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, और मैं अपनी बेगम साहबा के इस बात के ऊपर चाय का पूरा कप उठाता हूं, वो चीनी का पूरा मग्गा उठाता हूं और उठा के अपने कप में उंडेल देता हूं और उसको उठा के पी जाता हूं और मैं कहता हूं देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मेरी बदमाशी कब तक चलेगी? शायद उस दिन चल जाए, लेकिन अगर मैं यही सोच करके मैं ज़्यादा चीनी लेता रहूँ चाय के अंदर, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं 5-6 महीने 1 साल तक लगातार अपनी ये रूटीन रखूंगा, तो फाइनली वो जिस चीज़ के बारे में मुझे वार्न कर रही थी वो चीज़ हो जाएगी। जब आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि आज मैं बदपरहेजी कर लेता हूं, आज मैं सबक नहीं पढ़ता हूं, आज मैं अपनी किताबों के नज़दीक नहीं जाता हूं, आज मैं ये नहीं करता हूं, तो छोटी छोटी गलतियां जो हैं जब आप उनको लगातार रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फाइनली वो जाके उस जगह पर पहुँचती हैं जहाँ पर हम अपनी लाइफ में फेलियर्स देखते हैं। तो हादसा वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये बात बिल्कुल इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हम समझते हैं कि इन गलतियों से कुछ भी नहीं होगा, जब हम उनको बहुत ज़्यादा रिपीट कर लेते हैं तो फाइनली उनको जो रिजल्ट देना होता है वो रिजल्ट देते हैं। अब हमने सक्सेस के फार्मूले को भी डिस्कस कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि नाकामी का क्या फार्मूला है, और हमने ये भी देख लिया कि इनके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं अगर हम इनको लंबे अरसे तक प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप कामयाबी के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक लॉ है, उस लॉ को कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट। वो लॉ ये कहता है कि जब हमारे जहन में कोई आइडिया आता है, कोई ख्याल आता है, कोई प्लान आता है, तो हमें फौरन से उस प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जब हमारे जहन में कोई आइडिया आता है तो वो आइडिया आते ही क्या करता है, आइडियाज हमें इंस्पायर करते हैं, वो हमें मूव करते हैं, हमारी जो मेंटल पोजिशनिंग होती है खास अपने हवाले से उससे हमें मूव करते हैं और हमें एक ऐसे जोन में लेके जाते हैं जहाँ पे हम इंस्पायर्ड होते हैं। और जब आप इंस्पायर्ड होते हैं तो आपके क्रिएटिव जूसेस जो हैं आपके जहन के अंदर वो बड़ी तेजी से, आपके ब्रेन के अंदर जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो बाहर निकलते हैं और अपना काम करने की कोशिश करते हैं, और उनको आपकी तरफ से हेल्प चाहिए होती है कि आप उस काम को, वो जो मोमेंट है इंस्पिरेशन की, उसको कैच कर अपने प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम उसको डिले कर दें, जब हम इंस्पायर्ड हैं, जब हमारे क्रिएटिव जूसेस अपने फुल फ्लो में हैं, उस वक्त अगर हम उस काम को डिले कर दें तो फिर ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट है ये कहता है कि उसके बाद ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट आहिस्ता 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 उस आइडिया से जो उसकी इंस्पिरेशन होती है उससे दूर जाना शुरू हो जाता है। और अगर हम कुछ महीनों की देर कर दें तो वो आइडिया ही हमारे जहन से निकल जाता है, वो आइडिया ये समझता है कि शायद मुझे इसके पास जाना ही नहीं था, ये गलत फर्द है, मैं किसी और फर्द के पास जाता हूँ, तो आइडिया जो है वो मूव कर जाता है। तो आइडिया जब भी आपके जहन के अंदर आए, कोई भी कामयाबी से जुड़ा हुआ आइडिया आए, कोई भी ख्याल आए जो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को बेहतर कर सके, वो हेल्थ भी हो सकती है, वो एजुकेशन भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी आइडिया आए, तो फौरन से इंस्पिरेशन के अंदर रहते हुए भी, उस इंस्पिरेशन के जोन में रहते हुए आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो कामयाबी का फार्मूला आपसे डिस्कस किया आज हमने, नाकामी का फार्मूला डिस्कस किया, और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट आपको बताया। इन तीनों चीज़ों को जहन में रखते हुए आप देखें कि इस वक्त, इस वीडियो के फौरन बाद, आप क्या प्लान कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, वो कौन सी छोटे छोटे डिसिप्लिन्स हैं जो आप अपनी लाइफ के मुख्तलिफ एरिया से रिलेटेड आज प्लान करके उनको रिपीट करेंगे फॉर कई आने वाले दिनों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी जजमेंट की एरर्स हैं जो कि आप पिछले कुछ अरसे से करते आ रहे हैं, उनको ठीक होने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो उस मोमेंट तक ना पहुंच पाएं जिस मोमेंट पे दे विल फाइनली बिकम अ फेलियर। तो इन तीनों चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने आज को आप गुजारिए और कोशिश करें कि कामयाबी, नाकामी और ये जो लॉ आपको बताया है, इन तीनों चीज़ों पे क्लियर रहें अपनी लाइफ के ऊपर अमल करते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्लान्स।